जुई डॉट पे मार्केट बहुत लंबा क्रॉस कर चुका है, तो मुझे लगता है ऐसी जगह भी ट्रेड लेना ठीक नहीं है। मैं एक काम करूंगा, थोड़ा सा एक अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लूंगा $1 के लिए $100 का। और मैं क्यों लिया हूं अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, एक एनालिसिस बेसिस मैंने लिया है, क्या होता है क्या नहीं, बस थोड़ा सा एक चीज बताने के लिए आपको लिया है मैंने, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने सोचा था उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग, आप लोगों ने अभी तक बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, ठीक है। ऐसे ही करते रहिए, मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू वीडियो डेली लेके आता रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊंगा सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओगे इस टाइम वाले फ्रेम पे, यहाँ पे जाकर क्लिक करने लेना है आप जैपनीज कैंडलस्टिक, ठीक है। और चार्ट का टाइम में जो 1 मिनट रखना है, चार्ट का टाइम हमें 1 मिनट रखना है, और ट्रेड टाइम जो होगा हमारा 1 से 2 मिनट का होगा, ठीक है। मैं हर वीडियो में पहले ही नोटिफाई कर देता हूँ ये, ठीक है, कि कितने टाइम का आपका चार्ट टाइम होने वाला है, ट्रेड टाइम कितना होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल सी स्ट्रेटर्जी है, ठीक है। आप जाओगे ए वाले सिंबल पे, आपको मिलेगा SMA ले लेना है आपको, ठीक है, एज ए डिफॉल्ट ले लेना है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, इसकी थिकनेस को बढ़ा लेंगे, कलर हम स्काई ब्लू रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है पैराबोलिक ले लेना है, आप जाओगे ओपन इंस्ट्रूमेंट में और आपको इंडिकेटर में ही मिलेगा पैराबोलिक भी ऐसे अब डिफॉल्ट लेना है आपको। ये बहुत ही आसान स्ट्रेटजी होने वाली है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। अब देखिए आप डाउन की ट्रेड कैसे प्लेस करोगे, आपको डाउन की ट्रेड कैसे लेनी है, देखिए डाउन की ट्रेड ऐसे लेनी है कि जब मार्केट ऊपर साइड से नीचे आएगा तो कैंडल का बिहेवियर कैसा होगा, रेड होगा। ये चीज आलसो पता होती है कि मार्केट नीचे से ऊपर जाता है कैंडल ग्रीन होता है, ऊपर से नीचे आता है रेड होता है। तो जब मार्केट नीचे आएगा और इस SMA लाइन को क्या करे, क्रॉस ओवर करे, इस SMA लाइन को क्रॉस ओवर करे, और पैराबोलिक के डॉट आपको ऊपर से दिखने लगे। पैराबोलिक के डॉट कहाँ से दिखे, ऊपर से दिखने लगे। तो कैंडल के ऊपर अगर पैराबोलिक के डॉट होता है तो उसका मतलब है मार्केट नीचे आ रहा है, और कैंडल के नीचे अगर पैराबोलिक के डॉट होते हैं तो उसका मतलब है कि मार्केट अपसाइड में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जो कैंडल क्रॉस करेगी, जो कैंडल मतलब कहने का इंटेंस समझिएगा, जो कैंडल इस लाइन को क्रॉस ओवर करेगी, मतलब इस लाइन को क्रॉस करेगी, उस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, उसकी अगली वाली कैंडल देखेंगे, और उसकी अगली वाली कैंडल पे हम ट्रेड तब प्लेस करेंगे जब हम देखेंगे कि जैसा मार्केट का ट्रेंड जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो कैंडल जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो वो कैंडल रेड बननी चाहिए, ऐसा नहीं है ग्रीन बन जाए तो उस पे आप ट्रेड ले लोगे, ठीक है। तो जैसा मार्केट का ट्रेंड जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो कैंडल भी बननी चाहिए, ठीक है। तो अगर नीचे आ रहा है तो नीचे होना चाहिए कैंडल, रेड होना चाहिए, तब आप ट्रेड प्लेस करोगे। तो जो कैंडल क्रॉस करेगी या जो कैंडल उसमें टच रहेगी उस पे आप ट्रेड नहीं लोगे, उससे अगली वाली कैंडल देखेंगे, उससे अगली वाली देखते हैं ग्रीन बनी, इस पे नहीं लेते, इस कैंडल पे जाकर हम ट्रेड प्लेस करते। और कम से कम यार पैराबोलिक के लोग 2 डॉट करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कम से कम पैराबोलिक के 3 डॉट का वेट करोगे आप, पैराबोलिक कम से कम 3 डॉट दे दे तब आप जाके ट्रेड प्लेस करोगे, ठीक है। ये हो गई डाउन की ट्रेड के लिए, अब बात कर लेते हैं आपकी ट्रेड के लिए। वैसे ये थोड़ा सा गोल्ड में ज्यादा वो है नहीं, तो मैं थोड़ा अलग कुछ ले लेता हूँ आपकी ट्रेड के लिए, देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला है कि जब कैंडल इस SMA लाइन को क्रॉस ओवर करेगी, क्या करेगी, क्रॉस ओवर करेगी, और पैराबोलिक के डॉट नीचे चलेगी, तो हम आपका ट्रेड प्लेस करेंगे। तो उसके लिए कैंडल का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। तो जो कैंडल क्रॉस करेगी या जो कैंडल टच होगी उस पर हम ट्रेड नहीं लेते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो ये कैंडल क्रॉस कर रही है इस पे आपको ट्रेड नहीं लेना था, ये कैंडल टच हो रही है इसमें कुछ पार्ट इसका इसमें इंक्लूड है, इस पे भी नहीं लेना। इसके बाद वाली कैंडल देखते हैं, इसके बाद वाली कैंडल कैसी बन रही है, रेड बन रही है, इस पे तो नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट के अपोजिट जो ट्रेंड हम सोच रहे हैं जैसा मार्केट चल रहा है उसके अपोजिट बन रहा है, इस वाली कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करते हैं। और पैराबोलिक के कम से कम 3 डॉट आप देखिए इस लाइन पे आपको मिलता है, तो कम से कम 3 डॉट का वेट करोगे आप। अब यहाँ पे देखिए पैराबोलिक ऑलरेडी 4 डॉट दे चुका है, लेकिन अभी क्रॉस ओवर मार्केट में नहीं दिखा है। जब तक इस SMA लाइन को मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, और ट्रेंड के हिसाब से क्रॉस करना चाहिए, और डाउन आ रहा तो कैंडल रेड होना चाहिए, अब जा रहा है तो कैंडल ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ट्रेड प्लेस करोगे। अब देखो कहीं भी बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी काम करती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको 5 से 10 मिनट के लिए भी आप यूज कर सकते हो, 10 से 15 मिनट के ट्रेड के लिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रेड का ये टाइम जो है आप इसको 5 मिनट कर लोगे तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना बढ़िया रिव्यू नहीं मिलेगा इसमें। मेरा सजेशन होगा 1 मिनट के लिए यूज करो यार। और एक चीज और यार, कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती, ठीक है, चाहे पेड हो चाहे कैसी भी हो। आप एक चीज समझो, आप पहले जो भी सीखो उन्हीं फोकस करो पहले रनिंग पे, और उसको प्रैक्टिस करो डोमी अकाउंट पे, फिर आप अपने लाइव अकाउंट पे आओ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, ये ट्रेंड नीचे से जा रहा है, पैराबोलिक हमें अभी डॉट ऊपर से दे रहा है, मार्केट का फॉल है, ऐसी जगह भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, तो सारी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ये देखिए मार्केट, ये तो फॉल है एक तरह का, जो डॉट पे मार्केट बहुत लंबा क्रॉस कर चुका है, तो मुझे लगता है ऐसी जगह भी ट्रेड लेना ठीक नहीं है। मैं एक काम करूंगा, थोड़ा सा एक अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड लूंगा 1 मिनट के लिए $100 का। और मैं क्यों लिया हूँ अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, एक एनालिसिस बेसिस मैंने लिया है, क्या होता है क्या नहीं, बस थोड़ा सा एक
चीज बताने के लिए आपको लिया है मैंने, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने सोचा था उसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। इसमें मैंने एक चीज सोच रखी थी, ये सोच रहा था कि ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रहा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तोड़ दिया है ये, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये एक तरह का मार्केट में बहुत बड़ा फॉल हो रहा है। कैसा फॉल हो रहा है मैं आपको दिखाने के लिए ट्रेड लिया। फॉल है कि इतनी बड़ी कैंडल का बनना ही फॉल है, ठीक। अब देखिए मार्केट कितना तेजी से नीचे आया, कहां से कहां आ गया। आप एक चीज नोटिस करो, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आप देखो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये चीज कैसे होगी आप प्रैक्टिस बेसिस ही समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, थोड़ा सा उससे ऊपर गया लेकिन उससे तोड़ नहीं पाया। और देखिए काफी डिफरेंस आ चुका है। आप कहोगे सब कुछ ये तो नीचे से दे रहा है, पर लेकिन कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बीच में धीरे देखिए हम विन कर चुके हैं। तो ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, प्रैक्टिस बेसिस ही समझ में। और मैं वैसे भी कैंडल पैटर्न पे एक वीडियो लाने वाला हूँ, और कैंडल पैटर्न की दोस्तों मैं बता दूं एक वीडियो से कुछ नहीं होगा, कई सारी वीडियो आएगी, पूरी सीरीज आपको मिलेगी, ठीक है। बस 2-3 दिन के बाद वो सीरीज में शुरू करने वाला हूँ। देखिए कितना बड़ा फॉल था, जितनी तेजी से मार्केट जितना ऊपर भागा उतना ही नीचे आया। तो ये धीरे धीरे चीजें समझ जाओगे आप, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आई होगी कि कहाँ पे ट्रेड लेना है कहाँ पे नहीं लेना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और यार ऐसे ही सपोर्ट प्यार करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊं आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।